हेलो बच्चों, मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन ये है कि हम इस दुनिया को क्यों देख पाते हैं। बच्चों, कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि देखो सर, हमारी आंखें होती हैं, हम अपनी आईज की वजह से देख पाते हैं। जैसे कि मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आप पेड़ को अपनी आंखों से नहीं बल्कि इसलिए देख पाते हो क्योंकि आपके पास लाइट सोर्स है, जैसे कि यहाँ सन। ठीक है, सन आपके पास लाइट सोर्स है। सन से लाइट आती है, कहाँ गिरती है? वो पेड़ के ऊपर, और पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर गिरती है आपकी आईज में। आफ्टर दैट, जब आप इस पेड़ को देख पाते हो, अगर सन नहीं होता तो आप इस पेड़ को नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों, तो आगे की बात यह है कि हम देखेंगे कि इस संसार में मुख्यतः दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट जैसे कि जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन एक उन ऑब्जेक्ट्स में एक है, जैसे कि एक स्टार यह एक उन ऑब्जेक्ट में से एक है। ठीक है, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, इन्हें हम बड़ी इजीली देख सकते हैं। होता क्या है, अगर आप सन को देखोगे, स्टार को देखोगे, लाइट इनसे सीधी लाइट आपके पास आ रही है। आप यहाँ पर हो तो लाइट सीधी आपके पास आ रही है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको स्टार को देख पाएंगे, सीधी लाइट आपकी आंखों पर आ रही है। उसके बाद आगे दिखाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि मून। मून की खुद की लाइट नहीं होती है। होता क्या है कि जो सन अपनी लाइट जो होती है सन की, वो गिरती है मून के पास, और मून से रिफ्लेक्ट होकर धरती पर, अर्थ पर जो आप रह रहे हो वहां पर आपकी आईज के पास आती है लाइट, और आप उसको फिर देख पाते हो। वैसे ही सेम टू सेम केस इस ट्री के साथ है। अगर आपको जानकारी पता थी तो ठीक है बच्चों, नहीं पता थी तो आप इसको समझे और इसको आगे अपने दोस्तों पर शेयर करें। नहीं पास हो गया।